तो दोस्तों मैं पहुंच गया वोटिंग संस्था पर और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, ये देख सकते हो कुछ। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। सो दोस्तों, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि मैं अपने कुछ दिन पहले स्टोरी डाला था कि मैं अपने गांव आया हूँ। तो आज मैं लगभग एक सप्ताह हो गया मुझे हुए और आज है 26 अप्रैल और आज है मतदान। तो आज मैं जाऊँगा वोट डालने के लिए और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग वोट डालने के योग्य हो चुके हैं वो लोग अपना वोट जरूर से डालें, क्योंकि आपका हर एक वोट कीमती है, आपका हर एक वोट आने वाले भविष्य तय करेगा। तो मैं आप सभी के एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वोट जरूर से डालें। तो चलो मैं चलता हूँ वोट डालने के लिए, बाकी वहाँ का सीन क्या है आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों मैं फाइनली निकल चुका हूँ, तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ किस टाइप से है। यहाँ पर देख सकते हो माहौल कुछ इस टाइप से है। अभी सभी लोग, कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा भी रहे हैं और यहाँ पर पोहा बांटा जा रहा है, ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से। और तो चलो हम भी पोहा ले लेते हैं और हमने भी पोहा ले लिया और इसे खाते हैं और वोट डालने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, ये देख सकते हो कुछ। तो दोस्तों मैं पहुँच गया वोटिंग संस्था पर और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, ये देख सकते हो कुछ। तो चलो लाइन पर लगना पड़ेगा और फिर वोट डालते हैं। सो दोस्तों फाइनली मैंने वोट डाल दिया और अपने आप में काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। सो दोस्तों फाइनली मैं वोट डाल कर घर पे आ चुका हूँ और मुझे आज खैरागढ़ निकलना है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से अपने गांव आया था और लगभग मुझे 2 सप्ताह हो चुका है। तो चलो मैं आज मुझे खैरागढ़ जाना पड़ेगा और तो मैं रेडी होता हूँ। और ये वाला मुझे स्केच मिला था ऑर्डर, जो कि मैंने यहीं पर कम्प्लीट किया हूँ और ये नाथगाँव से है, तो मुझे इसे खैरागढ़ जाते समय वहाँ नाथगाँव में डिलीवर करूँगा। तो चलो इसको भी पैक कर देता हूँ और मैं रेडी होता हूँ खैरागढ़ जाने के लिए। सो दोस्तों फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और मेरा सामान भी रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो। तो चलो अब निकलते हैं खैरागढ़ के लिए। सो दोस्तों फाइनली बस स्टेशन पर आ चुका हूँ और बस का इंतजार कर रहा हूँ। लगभग ये 7 बस आ चुका है। ये हमारा बस भी आ चुका है। तो दोस्तों फाइनली बस उतर गए और अब ये देख सकते हो। तो अब मुझे खैरागढ़ जाने के लिए बस चेंज करना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी बस का वेट करना पड़ेगा और अभी खैरागढ़ के लिए बस का नहीं आ रहा है। और वो वाला जो बस में मैं आया हूँ डोमरगांव से राजभवन के लिए, वो बस काफ़ी भीड़ था और आज तो चुनाव है इसलिए काफ़ी भीड़ चल रहा है। तो चलो थोड़ा देर वेट करता हूँ। सर दोस्तों फाइनली खैरागढ़ का बस आ चुका है, ये देख सकते हो। ये लाल वाला बस में जाऊँगा, तो चलो चलते हैं। सो फाइनली बस में बैठ गया और ये वाला बस तो पूरा खाली है, तो चलो अभी पूरा खाली लग रहा है लेकिन चलो आदमी आ जाएंगे। खैरागढ़ पे आ चुका हूँ, तो चलो अपने रूम चलता हूँ। सो दोस्तों आज धूप तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो मैं आ गया गन्ना जूस पीने के लिए
यहाँ पर अंकल के पास, तो अंकल जब तक बना रहे फिर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो फाइनली हमारा गन्ना जूस आ चुका है, तो चलो इसे मैं पीता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं खैरागढ़ पे रूम पे पहुँच चुका हूँ, और ट्रेवल करते करते काफ़ी थोड़ा सा थकान सा लग रहा है। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और थोड़ा आराम करता हूँ। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।